भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल की है और 2017 के घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। ज्यादातर घोषणाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देने का ऐलान किया है, वही भाजपा ने कॉपी पेस्ट किया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर भाजपा ने घोषणा पत्र में जिक्र तक नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने ओपीएस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू कर दिया है। कांग्रेस ने स्टार्टअप देने का ऐलान किया तो भाजपा ने भी स्टार्टअप का वादा किया है। भाजपा सेव पैकिंग पर 12% जीएसटी रखने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस ने जीएसटी खत्म करने का वादा किया है। सिविल यूनिफॉर्म कोड को लागू करने की भाजपा बात कर रही है, उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू किया गया? राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ही स्वागत कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर के निर्माण पर वोट मांगती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राम के नाम पर वोट नहीं मांगती। घोषणा पत्र नड्डा जी जारी कर रहे थे तो मुझे लगा कि अब जरूर आप लोगों के माध्यम से हिमाचल की जनता को इसका जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो 4 तारीख को मैनिफेस्टो जारी करने वाले थे, क्यों नहीं किया? क्या बात थी कि 4 तारीख को आपने मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी किया अपना? उनको किसी ने बताया कि 5 तारीख को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ रहा, वो देख लो फिर उसी की नकल उतार दो। इसलिए फिर वो उन्होंने एक दिन बात कर रख लिया। इसके बाद उन्होंने नकल उसकी उतारी, कॉपी की है, और उसी में से पॉइंट उठा उठा के वो डालते गए। लेकिन वो ये भूल गए कि 2017 में भी उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, और 2017 के घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे वो कोई वादे भी पूरे नहीं किए। उन्हीं में से कई पॉइंट फिर से इसमें डाल दिए। तो 2017 के अपने घोषणा पत्र की नकल कर दी, कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल कर दी और हो गया उनका घोषणा पत्र। इसीलिए शायद उनका घोषणा पत्र इतना बड़ा सा रह गया। कांग्रेस ने जो वादा किया वो घोषणा पत्र देखो जिसमें सारी चीजें हैं, इनका घोषणा पत्र इतना बड़ा कि जो है उसको इनको लागू नहीं करना है, क्योंकि कुछ लागू तो करना नहीं, ना 17 वाला लागू किया ना ये इनको आज वाला लागू करना है, सिर्फ गुमराह करना है। 5 साल पहले जो आपने कहा था प्रदेश की जनता को, कम से कम उसको तो लागू करते। उसमें भी देखो लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर बताओ कि कितने नंबर है कि सारे सड़कों को गांव तक जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ा। इसमें भी फिर वही लिख दिया कि उनको जोड़ेंगे गांव से। और तो और सबसे बड़ी बात है कि ओपीएस लागू करने की कोई घोषणा नहीं हुई, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई रियायत की राह सहायता की कोई बात नहीं हुई। ओपीएस जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहां पे, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका जिक्र तक उन लोगों ने नहीं किया है। और ऐसे तमाम विषय हैं जैसे उनके 2017 के मैनिफेस्टो को उठाइए, उसमें लिखा है स्टार्टअप फंड बनाने का, कोई स्टार्टअप फंड उन्होंने नहीं बनाया उसमें। और इसमें भी कांग्रेस का देखा स्टार्टअप फंड वाला 680 करोड़ का, तो बोले जी मैं भी बनाता हूं स्टार्टअप फंड। तुमने 5 साल क्यों नहीं बनाया स्टार्टअप फंड? तुमने जो है युवाओं के लिए बोला कि 1 GB डेटा जो है फ्री देंगे, 5 साल पहले 17 के उसमें, आज तक नहीं दिया उनको। अंग्रेजी बोलने के ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे 50,000 युवाओं को, वो सब कुछ नहीं किया। 2017 के ही जो घोषणा पत्र से एक भी चीज आपने पूरी नहीं की है, उसका भी विस्तार से आपको बताएंगे। और जो है जितनी संभव हो सकती थी आपने उसमें वो बातें डालने की कोशिश की जिनको आपने पिछले 5 साल लागू ही नहीं किया। अगर चाहते हो तो आप लागू कर सकते थे, तब देवभूमि के लिए कहा था, अब उसका नाम बदल क्या कर दिया, हिमगिरी। तो पहले वो बोला तो किया नहीं, अब हिमगिरी योजना बना दी। तो ये जो है झूठ का पुलिंदा है इनका जो घोषणा पत्र है। जब 17 के घोषणा पत्र की एक बात भी सरकार में आने के बाद उन्होंने लागू नहीं की तो इसको क्या लागू करेंगे, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहा हम 5 लाख नौकरियां देंगे स्पष्ट रूप से, जिसमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और हम 5 लाख जो है वो हम नौकरियां देने का जो है पूरा व्यवस्था करेंगे। ये कहते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से रोजगार के अवसर तलाशेंगे। 8 सालों नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, न सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, न डायरेक्ट जॉब की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अवसर तलाशेंगे। नड्डा जी का जो भाषण था
कि हम 8 लाख रोजगार के अवसर तलाशेंगे फेज बैनर में चरणबद्ध तरीके से। वो चरणबद्ध 20 साल का भी हो सकता, 10 साल का भी हो सकता, 15 साल का भी हो सकता। जैसे उन्होंने कहा था कि 2022 तक सारे मकान पक्के कर देंगे, अगर लाल किले से मोदी जी की घोषणा आपने सुनी होगी, लेकिन कहाँ पक्के मकान में, हर छत पर पक्की छत होगी, नहीं हो पाए। तो ये चरणबद्ध कितना लंबा चरण होगा ये तो पूछ लो इनसे, ये चरण उनका कितना होगा, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, जो है कितने साल में ये 8 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको कैसे दिया जाए। तो ये भी एकदम जुमला है, ये इनको लागू करना नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ओपीएस, हमारी मांग थी कि ओपीएस को ये लागू करें, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस पर कुछ नहीं बोला, ओपीएस को लागू नहीं कर रहे, जो कि जो है बहुत गलत बात है। हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम को हमारे राजस्थान की सरकार ने, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू कर दिया है, और हमने करके दिखाया है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। ये कहते हैं कि हमने 12% जीएसटी एप्पल पे रखी है, सेब उत्पादकों पे। हम कहते हैं जीएसटी खत्म करो उन पे, क्यों रखे हो? वो तो हमने पहले कह दिया कि राज्य सरकार का जो कंपोनेंट है वो तो हमारी सरकार आते ही हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं जीएसटी में जो कृषि उत्पादक हैं, जो सेब उगाने वाले, उनको जीएसटी रखी क्यों? आप उस जीएसटी को खत्म करिए। आप क्यों नहीं खत्म कर रहे? जीएसटी का सरलीकरण करिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके वहां पे, वो सब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो किसी भी वर्ग के लिए इनके मैनिफेस्टो में कोई बातें नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, अरे भाई किसने रोका? आपने उत्तराखंड में घोषणा की थी, 1 साल हो गया अभी तक नहीं लागू किया, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बगल में नहीं लागू किया, किसी राज्य में नहीं लागू किया, लेकिन बातें कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर वक्त की जमीन पर कोई अवैध गए तो बिल्कुल हटाओ, हम तो स्वागत करेंगे कि अगर किसी की भी ने भी अवैध जमीन पर कब्जा किया, कुछ बनाया, चाहे जो, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो वक्फ की जमीन हो, चाहे दूसरी जमीन हो, अगर अवैध जमीन पर, तो सरकार का काम है कि कानूनी कार्रवाई करे, उसके लिए इतना आयोग बनाने की क्या जरूरत है? पहले ही जो है कार्रवाई करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? तो इसलिए कि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सही, बिल्कुल सही रूप दिया इसका जो है, कि मतलब हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, ना हम कुछ करेंगे। तो इसलिए इनका घोषणा पत्र जो है, जो कुछ भी है, झूठ का पुलिंदा है। जो 2017 का घोषणा पत्र तो इससे लंबा चौड़ा था इनका, वो देखो ये भरा हुआ, देखो ये 3-3 पेज का था। न्यूज डेस्क, एनवन लाइव।